हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई पे लेटर को कैसे एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे मैं आईसीआईसीआई बैंक का जो पे लेटर है उसे एक्टिवेट करने का आपको सारा प्रोसेस यहाँ पे बताने वाली हूँ तो यहाँ पे मैंने ऐप को जो है ओपन कर लिया है तो ऐप को ओपन करने के बाद आप इसे जो है लॉग इन भी कर लें तो मैंने यहाँ पे इसको जो है लॉग इन वगैरह भी कर लिया है तो यहाँ पे जो हमारा ऐप है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में यहाँ पे आप जब आएंगे ट्रांजेक्शन वाले में तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है माई अकाउंट तो माई अकाउंट पे ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो चलिए मैं यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक कर लेती हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माई अकाउंट्स तो माई अकाउंट्स में ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा पे लेटर अकाउंट तो इस पे लेटर अकाउंट पे क्लिक करके हमें यहाँ पे एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे एक्टिवेट जैसी आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे वेलकम टू पे लेटर के बारे में लिखी हुई है जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट अप्रूवल तो इंस्टेंट अप्रूवल है और इसका जो आपने जो 16 तारीख तक जो भी आपने खर्चा या फिर स्पेंड कर रखा होगा हर 31 तारीख को जो है आपको यहाँ पे पे करना होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू यूज पे लेटर तो आप जो है इसे रिचार्ज कर सकते हैं बिल पेमेंट कर सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू और यहाँ पे आपको एक यू पी मिलती है क्विक पे यूजिंग यू पी उससे भी आप जो है शॉपिंग कर सकते हैं पेमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पे फिर उसके बाद आपको चेक बॉक्स दिख रहा है इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके गॉट इट पे क्लिक करना है तो इसके बाद जो यहाँ पे आपको नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट दिख रहा होगा इसे आप जरूर पढ़ें क्योंकि यहाँ पे जो आपके पेमेंट से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है जैसे कि ऑटो डेबिट विल सेट अप फॉर ड्यू पेमेंट जैसे कि आप जो भी खर्चा करेंगे यहाँ से ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से इसके बाद जैसे आप कोई बिल आपका मिस हो जाता है या फिर आप उसकी पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे लेट फीस भी लिखी हुई है कि आपको लेट फीस कितनी पे करनी होगी तो ढाई सौ प्लस जीएसटी है उसके बाद यहाँ पे वन टाइम एक्टिवेशन फीस आपको देनी होती है जो कि पांच सौ प्लस जीएसटी रहती है और यहाँ पे कुछ ये कन्वीनियंट फीस लिखी हुई है जैसे कि आप तीन हजार रुपये जो है स्पेंड करते हैं खर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है सौ रुपये प्लस जीएसटी जो है एवरी थ्री थाउजेंड पे आपको जो है देने होते हैं यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है इसके बाद यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके अब हम गॉटिट पे क्लिक करेंगे तो चलिए यहाँ पे मैं गॉटिट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करती हूँ इसे तो गॉट इट करने के बाद यहाँ पे हमारी कुछ पर्सनल डिटेल्स आ जाती हैं जिसमें हमारा नाम रहता है आधार नंबर रहता है और यहाँ पे मोर डिटेल्स पे आप क्लिक करके जो आप अपना एड्रेस भी चेक कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके आगे सबमिट करना है तो यहाँ पे सारी चीजें आपको जो अच्छे से देख लेनी है जैसे आप सबमिट करेंगे फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हमारा स्टेटस जो है वो चेक हो रहा है तो यहाँ पे कंप्यूटिंग योर क्रेडिट डेट उसके बाद क्रिएटिंग योर अकाउंट तो यहाँ पे हमारा एक एक करके जो स्टेटस है वो चेक किया जा रहा है तो यहाँ पे सब चेक हो चुका है धीरे धीरे यहाँ पे चेक हो रहा है उसके बाद यहाँ पे फिनिशिंग अप पे आने के बाद हमारी जो लिमिट है हमें पता चल जाएगी कि यहाँ पे हमें जो लिमिट है वो कितनी मिल रही है तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटस है वो चेक हो चुका है और यहाँ पे हमारी जो पे, पे, पे लेटर अकाउंट है वो बन चुका है और यहाँ हमारे पे लेटर अकाउंट की डिटेल्स आ रही है और हमें यहाँ पे क्रेडिट लिमिट कितनी मिली है तो मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे हमें जो क्रेडिट लिमिट मिली है वो दस दस हजार रूपए मिली है अगर आपने भी जो है आईसीआईसी पे लेटर का अकाउंट बना रखा है तो आपको कितनी लिमिट मिली है आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जो लिमिट है वो कितनी मिली है अगर आपने नहीं बनाया तो आप इस तरीके से जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको अकाउंट बनाने का सारा प्रोसेस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता दिया है तो यहाँ पे आप कुछ चीजें देख सकते हैं जैसे लेटेस्ट बिल आ जाएगा स्टेटमेंट आ जाएगा और मोर ऑप्शंस में आपको काफी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी मोर ऑप्शंस तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी जैसे कि एक्सप्लोर पे लेटर मैनेज क्रेडिट लिमिट और यहाँ पे क्यू कोड भी दिख रहा होगा आपको और यहाँ पे आपकी पेंडिंग रिक्वेस्ट भी जो रहती है वो भी आपको दिख जाती है और यहाँ पे मैनेज ऑटो डेबिट भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होगी तो चलिए अब जो है हम ऐप को क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको जो है सारी चीजें बता दी है और आप इस तरीके से जो है अपना पे लेटर अकाउंट बना सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा अगर मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग